तो आज हम बनाएंगे डायग्राम ऑफ हार्ट इजी वे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये एक टी लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, टी लाइक स्ट्रक्चर। इसके ऊपर हम बना रहे हैं इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर लेंगे, ठीक है। इरेज करने के बाद यहाँ पे हम इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे इसकी तीन ब्रांचिंग हम दिखाते हैं, अगोटा जो है हमारी। उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे अपने चैम्बर बनाना, थोड़ी सी शेप जैसे आप देखते हो ना गानों में और बाकी जगह, वैसी ही शेप आती है थोड़ी थोड़ी हमारी इसकी। यहाँ से आप देख सकते हो वैसी शेप आ रही है, जैसे दिल हम बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे फटाफट हम इसके इसकी वॉल है, ये हमारा इंटर वेंटिकुलर सेप्टम। यहाँ पे भी हमारी डबल वॉल होंगी, यहाँ पे क्या बनाएंगे हम, वाल बनाएंगे सेमी लूनर वाल, और ये फिर यहाँ से फिर आगे एक्सटेंड करेगी इसके अंदर, ठीक है। इसी तरह से ये जो हमारी अओटा आ रही है ये इसके पीछे से होती है, हमें दिखती नहीं है, तो यहाँ पे हम इसकी वाल बनाते हैं। यहाँ पे भी सेमी लूनर वाल होती है। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारी ट्राइकस्पिड वाल होती है, मतलब हम सिर्फ याद करने के लिए बना रहे हैं, वैसे दिखती नहीं है ऐसी ये, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा इस तरह से स्ट्रक्चर, थोड़ा सा इसको चौड़ा कर लीजिए। यहाँ पे हमारी सुपीरियर वेना केवा, ठीक है, और यहाँ पे हमारी इन्फीरियर वेना केवा। ये यहाँ पे इसकी ओपनिंग, ये यहाँ पे इसकी ओपनिंग। अब यहाँ से आएगी हमारी पल्मोनरी वेन्स, दो इस तरफ से एंटर कर रही हैं, दो इस तरफ से। कहाँ पे खुलेंगी, यहाँ पे, ठीक है। ये इसके आपको देखना है, इसका प्रोपोर्शन ठीक होना चाहिए। यहाँ पे हम कुछ टेंडेने बनाएंगे, मतलब इसकी जो मसल्स वगैरह होती हैं। तो इस तरह से ये हमारा डायग्राम हो गया है तैयार। देखो कितनी जल्दी हमने 2 मिनट में डायग्राम बना लिया इसको। उस बाद इसका हम लेबलिंग कर लेंगे। अओटा ये हमारी क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है, सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, ये हमारे चैम्बर्स हैं, 4 चैम्बर होते हैं ना हमारे हार्ट में। ये क्या है हमारा, राइट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल, इसी तरह से लेफ्ट ओरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।